हेलो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी हैंडमेड ज्वेलरी कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड का एक पीस, एक कोई भी क्लॉथ, राउंडर जो कलर का आपका क्लॉथ है उस कलर का थ्रेड, एक ग्लू, एक सीजर और एक हैंग करने के लिए गले में थ्रेड। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लॉथ का पीस लेना है, जो भी हमें पसंद हो वो, और जिस शेप में आपने कार्डबोर्ड को कट किया है आप वो शेप लेंगे। फिर इस कार्डबोर्ड को हमें क्लॉथ से रैप कर देना है ग्लू की मदद से, हम उसे स्टिक कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो उसको स्टिच भी कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टिच कैसे करना है। पहले तो हमें स्टिक करेंगे और लास्ट फाइनल स्टेप में हम इसको स्टिच कर देंगे थ्रेड से जो इस कलर का हो। आप देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब ऐसे ही मेरे पास मैंने ये बना रखा है, अब इसमें मैं अटैच कर दूंगी इसको। इसमें होल करने के लिए आपको राउंडर लेना होगा, आप ऐसे कोई भी शेप का, अलग अलग शेप्स का बना सकते हैं। और इसमें मैंने स्टिक किया है, अगर आप स्टिक करेंगे तो पीछे आपको एक शीट लगानी पड़ेगी कवर करने के लिए, जिससे कि वो निकले ना। और मैंने आपको बताया था उसमें आपने स्टिच किया, तो आप उसके पीछे नहीं भी स्टिक करेंगे शीट को तो चलेगा। अब इन दोनों को हम स्टिच करेंगे जो भी कलर का क्लॉथ है उस कलर के थ्रेड से, जैसे कि गले में हैंग करने के लिए जो मैंने बनाया है डोरी वो मैंने नॉर्मल थ्रेड से ही बनाया है। आप अपने साइज ले लें जितना आपको लेंथ रखनी है उसकी, फिर थ्रेड लेके उसे आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास मोटा थ्रेड हो तो आप डायरेक्ट वो भी ले सकते हैं, इसमें जब आप होल करेंगे उसमें डाल के आपको फिर वो अपने लेंथ के हिसाब से रखना है और फिर उसको नॉट मार सकते हैं। और भी डिज़ाइंस बनाए हैं अलग अलग शेप्स के, जैसे ये देखिए।